तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। एक बार आप लोग जरूर देखिए इसको अंत तक। ये हम लोग का 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन 2024। देखिए इसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें आराम से हम लोग देख के और समझ सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ये 16 में भी पूछा गया है और यहाँ पे 20 में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, 19 में भी, 18 में भी, है ना, 22 में भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे 2022 के। आप 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं यहाँ पे कि 10 पाई बाई 2 का मान कितना होगा। तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में अगर पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है तो 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। एकदम शुरू से अंत तक हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे, आसानी से हर एक क्वेश्चन को समझते जाएंगे। तो देखिए 10 पाई का मान कह रहा है, तो मान लीजिए 2 से काटेंगे ना तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बटे में 2 है ना, पाई बाई 2, यानी 90 हो जाएगा। यानी 10 90 का मान हम लोग का कितना होता है? 10 90 डिग्री का मान। तो 10 90 डिग्री का मान हम लोग को कितना होता है? तो 10 90 डिग्री का मान हम लोग का इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनेटिव, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हुआ, इन्फिनेटिव होता है। 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, एकदम आसानी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि 1 बाई रूट थ्री बराबर कितना होता है। तो रूट थ्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो 1 बाई रूट थ्री का मान हम लोग का होता है 10 में ही होता है। तो 10 कितना डिग्री का मान होता है? तो 10 30 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का? 10 30 डिग्री का मान हम लोग का होता है 1 बाई रूट थ्री। आप लोग याद कर लीजिएगा मान, एकदम सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होता है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। कैसे होता है आइए हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का फॉर्मूला है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का फॉर्मूला पर निर्भर है। जैसे 10 स्क्वायर थीटा होता है, 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, बराबर वन होता है। हम लोग को पूछ क्या रहा है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो देखिए 10 को उधर भेज देंगे और 1 को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना दे रहा है? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी नंबर दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है, देखते हैं दोस्तों इसमें थोड़ा सा और साइज बढ़ा दे क्या, देखते हैं आप लोगों के लिए और भी, हाँ ठीक है, और भी थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। देखिए 4 नंबर हम लोग कह रहा है कि साइन पाई बाई 4 माइनस कोस पाई बाई 4 का मान कितना होगा। हमेशा याद रखिएगा कि देखिए पाई का मान कितना होता है? 180 होता है, हम लोग जानते ही हैं। तो साइन पाई का मान 180/4 और माइनस कोस पाई, यानी ये भी 180/4 होगा ना। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? 45। ये भी कटेगा तो कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 45 और कोस 45 का मान एक ही होता है। क्या होता है? तो 1/√2 माइनस 1/√2, तो ये कट नहीं जाएगा, प्लस माइनस का है, तो यानी कितना हो जाएगा? 0 आंसर हम लोग का हो जाएगा। कितना आंसर? 0 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो कॉस 1 बराबर होगा, कॉस a बराबर हो जाएगा। तो कॉस a बराबर हो जाएगा हम लोग का 5 नंबर का हो जाएगा, कॉस a बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए कॉस a के बराबर हम लोग का हो जाता है यहाँ पे कॉस a बराबर हो जाएगा हम लोग का साइन a। क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर कह रहा है ना, देखिए ध्यान से इसको समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कैसे बनता है, इसको एकदम सिंपल वे में हम लोग को बनाने का प्रयास करते हैं पूरा। कॉस ए बराबर हम लोग का मान हो जाएगा दोस्तों साइन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन बी, एकदम सिंपल वे में इसको याद रखिएगा, कॉस ए साइन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का दोस्तों कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है, सिंपल समझेंगे हम लोग। देखिए 3 थीटा दिया हुआ है, तो 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90/30, यानी 3 3 का 9, यानी 30 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? थीटा का मान हो गया हम लोग का 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। अब क्या करेंगे कि कॉस 30 डिग्री का मान रखेंगे, कॉस 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है हम लोग का कितना? तो √3/2, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का दिया हुआ है कितना? ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है, अभी जो हम लोग निकाले हैं ना, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। एकदम फॉर्मूला है, सिंपली आप लोग फॉर्मूला इसको याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग का देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि 1/√3 का मान कितना होता है। तो देखिए 1/√3 का मान
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये कभी भी होता है कि इसमें तो 10 में मान होता है, 10 में मान होता है रेड 3 का मान। तो कितना में 10 में किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए 10 30 में यहाँ पे जाएंगे तो पाई का मान कितना होता है 180 बट्टा में 6 6 3 18। देखिए 10 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख रहा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि √3 sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल कोसेक थीटा बराबर दिया है, तो सिंपल देखिए ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3। कितना हो जाएगा 2/√3। अब देखिए 2/√3 कोसेक में किसका मान होता है, 2/√3 कोसेक में किसका मान होता है, तो ये होता है हम लोग का 90 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान। कितना होता है 60 डिग्री का मान होता है ना, कितना डिग्री 60 डिग्री का मान होता है। सिंपल हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री का मान। 9 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर है हम लोग का 10 नंबर की 1+10 स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, था इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर यहाँ पे पड़े हुए हैं दोस्तों। इसका मान 1+10 स्क्वायर थीटा का मान, 1+10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता था सेक स्क्वायर थीटा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इसका मान रख लेंगे, इसका मान ऊपर रखेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा अब बटा में क्या रख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चूँकि सेक को चेंज करेंगे तो सेक को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, अब बटा इसको चेंज करेंगे तो 1/ साइन स्क्वायर थीटा। तब ये क्या होता है कि साइन ऊपर चला जाता है और कोस नीचे चला जाता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। जो ऑप्शन नंबर यानी ए हो या थीटा हो एक ही बात हुआ, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है डी 10 स्क्वायर थीटा। 10 नंबर का आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर हम लोग का दोस्तों आ जाएगा हम लोग का डी नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 11 नंबर भी सेम उसी प्रकार है जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये भी गुना में है तो क्या करेंगे भाग में इधर कर देंगे, यानी √3, यानी कोस 1/√ कोस थीटा बराबर कोस थीटा में किसका मान होता है 1/√3, तो सिंपली 45 का मान होता है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, बस सिंपली कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों कि 1+10 स्क्वायर थीटा बटा 1 1+sin स्क्वायर थीटा, तो देखिए इसका मान होता है ऊपर वाला का मान होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1+cot स्क्वायर थीटा, और इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों हो गया अपलॉट देंगे, इसको इसको चेंज करेंगे इसको भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 10 में बदल जाता है, कैसे बदलेगा तो देखिए इसको सिंपली हम आप लोग को बताते हैं, ये हो गया हम लोग का क्या चीज़ कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब बटा में हम लोग का क्या हो जाएगा ये बटा में हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज करेंगे तो 1/sin² थीटा, 1/sin² थीटा, और इसको चेंज करेंगे तो 1/cos² थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा कोस ऊपर चला जाता है, कोस ऊपर चला जाएगा और साइन क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा, साइन नीचे चला जाएगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा होता है, कोट स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा कितना सी नंबर ऑप्शन, कितना नंबर सी नंबर ऑप्शन, ठीक है एकदम सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा का मान क्या होगा, एकदम सिंपल में हम आप लोगों को समझाते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा। देखिए ट्रिपलेट याद करते हैं, एक होता है ट्रिपलेट 3, 4 और 5, ट्रिपलेट है 3, 4 और 5 ट्रिपलेट है। अब देखिए हम लोग देखिए इसमें 3 और 5 दिया है ना, 4 नहीं ना दिया है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कोस थीटा बराबर लिख देंगे, 4 ऊपर लिख देंगे, 8 कोण होता है ना तो कोण 5 लिख देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा 4/5, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना हो गया 4/5 ए नंबर ऑप्शन, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। एक ट्रिपलेट याद रखिएगा 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, ऊपर वाला लंब हुआ है ये क्या हो गया कोण हो गया, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कोण, हमको आधार का जरूरत है तो आधार हम लोग का 4 हो जाएगा, आधार हम लोग का 4 हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, कोण 5 दिया ही है तो 5, यानी 4/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है एकदम सिंपल कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा ना दोस्तों, बहुत सारा चीज़ इस चैनल पर पढ़ा दिया जाएगा, बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और इस चैनल को सपोर्ट करिएगा तो बहुत कुछ आप लोग को बताते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का कि 9 sec² θ - 9 tan² θ बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 9 ये हम लोग का हो जाएगा, ये मैंने कॉमन ले लिए हैं, ये हो गया sec² θ माइनस का tan² θ, माइनस का tan²
थीटा। अब देखिए 9 का 9 और 6 का स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 9 एकम 9, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 9। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, 9 नंबर हम लोग का 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है दोस्तों, 15 नंबर कह रहा है कि 2 साइन 38 डिग्री बट्टा में कोस 52 डिग्री है, कितना आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए सिंपली हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे 2 है तो 2 इसको चेंज कर देते हैं, तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 आ जाएगा, तो 52 घटाएंगे, तो 52 घटा दिए। अब बट्टा में क्या है, कोस 52 है तो कोस 52 रन दिए, ठीक है। अब ये 2 है तो 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस और थीटा बराबर कितना हो गया 52। अब बट्टा में भी क्या है हम लोग का, कोस थीटा है, कोस 52 है, 52 है, ठीक है। देखिए 52 और कोस 52 कट जाएगा, यानी 2 हम लोग का बच गया ना, तो आंसर हम लोग का 2 आ जाएगा, ये 2 बचा है ना, तो ये हम लोग का आंसर 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना कर रहा है 2, ठीक है दोस्तों। बहुत सारा क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव आप लोग रट्टे मत मारिएगा, रट्टा मारिएगा मैथ में ना, तो कोई बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे डिजिट चेंज कर दे कैसे बनाएंगे, है ना। इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा कि हर एक क्वेश्चन को समझने का और बनाने का, इससे क्या होगा कि डाटा भी चेंज करेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहीं पे 1/2 दे दिया, 1/√3 दे दिया, तो कैसे बनाएंगे, यहीं पे 1/√3 दे देगा, तो कैसे बनाएंगे। तो मेन बात है कि हम लोग उसको समझे रहेंगे ना, तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि डिजिट हूबहू नहीं उतारता है ना, डिजिट जो होगा जो भी अंक होगा सेम टू सेम नहीं उतारेगा, कैसे बनाइएगा, इसलिए आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए 10√3 का मान दिया है, तो √3 का मान कितना होता है, √3 का 10 में, तो 10/60 का मान हम लोग का होता है, 10/60 का मान √3 होता है, 10/60 का मान, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हम लोग का दिया हुआ है बी नंबर, ऑप्शन डी नंबर, ठीक है 60। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का दोस्तों, हम लोग 30 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि लेंदी वीडियो हो जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हम आप लोग के लिए और भी स्पेशल बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन मिलता ही जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 60 प्लस 1 और cos 60 माइनस का 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं, इसका मान चुपचाप रख दीजिए, कोई एक्स्ट्रा करने का जरूरत ही नहीं है। 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 17 नंबर क्वेश्चन, तो cos 60 का मान होता है हम लोग का 1/2, तो बस सिंपली 1/2 प्लस है तो प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो कुछ एक डाल देते हैं, ये भी 1/2 माइनस का 1/1 कर देते हैं। सिंपली इसको एलसीएम लेंगे तो 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 1 दूना 2 तो 2 एकम 2, अब बट्टा में यहाँ पे भी देखिए 2 एलसीएम ले लिए तो 1 एकम 1 माइनस 1 दूना 2 तो 2, यानी 3/2, देखिए यहाँ पे हो गया हम लोग का कितना, तो 3/2, अब बट्टा में हम लोग का कितना आ गया, माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस का 3 आंसर आएगा हम लोग का, माइनस का 3। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना नंबर दे रहा है, ऑप्शन नंबर हम लोग का दे रहा है दोस्तों कितना नंबर, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी नंबर ऑप्शन दे रहा है, माइनस का 3, ठीक है। तो एकदम सिंपल में बना सकते हैं, इसको भी कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10/60 का मान कितना होगा, तो 10/60 का मान हम लोग जानते हैं कि √3 होता है, 10/60 का मान कितना होता है, √3, एकदम सिंपल वे में, ठीक है। ये भी देखिए कलर ठीक है ना, 60 होता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि यहाँ पे साइन 18 और बट्टा में कोस 72 का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए साइन 18 यानी साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 हो जाएगा, तो 90 में से 72 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा। अब बट्टा में भी फिर कितना है, तो कोस 72 है तो 72 कर देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस थीटा, थीटा बराबर कितना है, तो 72। अब बट्टा में भी यही कोस 72 है तो कट जाएगा, तो कितना माना जाएगा, 1, कितना जाएगा 1, सिंपल। नेक्स्ट कह रहा है टेन ए का मान कितना हो जाएगा, टेन ए का मान हो जाएगा 10/90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस कोट थीटा होता है, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यही सेम टू सेम वही, देखिए 3/4 दिया, तो हाँ तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, हालांकि क्योंकि कोण में देखिए अंतर दे दिया है, कोण हम लोग का 5 रहेगा तो दूसरा बात, लेकिन 4 दे दिया है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये हम लोग का लंब दे दिया है और ये दे दिया है हम लोग का कोण दे दिया है, तो के हम लोग को निकालना क्या है, तो आधार, तो आधार निकालिएगा, आधार निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब कोण स्क्वायर माइनस का, कोण स्क्वायर माइनस का ये इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, तो 3^9 यहाँ पे, सॉरी 4^16 या 3^9, यानी कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। √7 हम लोग का कितना क्या आ गया, तो √7 हम लोग का लंब आ गया, आधार आ गया, √7 हम लोग कितना आ गया, आधार। तो देखिए आधार हम लोग का √7 आ गया, तो आधार बटा क्या होता है, कोण, तो आधार हम लोग का यहाँ पे हो गया √7 और ये हो गया 4, कोण हो गया,
तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। कॉलम निम्नलिखित में किसका मान जीरो होता है, वो जीरो के बराबर है, तो जीरो का मान कितना होता है, तो जीरो वन यानी हम लोग का 90 डिग्री का मान होता है, वन और जीरो 90 डिग्री का मान होगा किसका, तो हम लोग का 22 नंबर का, 22 नंबर का कोस 90 का मान हम लोग कितना होता है, जीरो होता है। फिर इसमें देखिए, इसमें भी हम लोग को चेंज करना है कितना, तो देखिए सिंपली इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे, इसका मान हमेशा वन होगा। देखिए यहाँ पे 80 10 90 यानी इसका मान वन हो जाएगा गुना, और यहाँ पे देखिए 15 75 कितना हो जाएगा 90 यानी इसका मान वन हो जाएगा, वन गुना वन बराबर कितना हो जाएगा वन, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का दे रहा है डी नंबर, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। सिंपली बनाने का प्रयास करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग ज़्यादा लगाने का। नेक्स्ट कह रहा है सेक थीटा के बराबर होता है, तो सेक थीटा के बराबर हो जाता है 1/sin थीटा, कैसे, तो देखिए इसको हमें बता देते हैं, सिंपली एक फॉर्मूला है हम लोग का क्या, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है क्या वन, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन, तो हम लोग को क्या चाहिए, कोसेक थीटा बराबर चाहिए, तो कोसेक थीटा बराबर 1/ क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो वही साइन थीटा हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट कह रहा है कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का 25, दोस्तों वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी ही होते जा रहा है, 25 नंबर क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि 2 sin थीटा बराबर 1 है, तो 1 cot² θ + 3 के बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं, साइन थीटा बराबर 1/√2 किसका मान होता है, 1/2 किसका मान होता है, तो 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान हो गया, तो 30 डिग्री, अभी यहाँ पे 30 डिग्री, डिग्री के स्थान पर 30 डाल देंगे, तो 3। देखिए cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट 30 का मान होता है हम लोग का √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे या प्लस का 3 है तो 3, तो देखिए ये 3 है, √3 मिलकर 3 बन जाता है या प्लस का 3, यानी 3 का 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 यानी 12 हो जाएगा हम लोग का आंसर, कितना हो जाएगा 12, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए नंबर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम 25 नंबर तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं दोस्तों, डेली का डेली अगर बढ़िया से पढ़ते हैं ये सब, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग सिंपली वे में समझ जाइएगा, कोई भी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा। 26 से दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 2024 के लिए आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ाने वाले हैं, हम लोग को कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।